पल पल न्यूज के न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। ये जो मेरे स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं ये उसी झारखंड के कोडरमा की है जहां पर बीते सप्ताह बजरंग दल ने उपद्रव मचा दिया था। जी हाँ, वहां पर मुसलमानों को परेशान कर रहा था, मुसलमानों को मारा जा रहा था कि वो यहां से पलायन करने पर मजबूर हो जाए। बजरंग दल ने पिछले सप्ताह रोजे इफ्तार के वक्त पर मुसलमानों पर हमला कर दिया और उन पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया। उनकी नफरतें यही नहीं रुकी, उन्होंने पुलिस महकमे के लोगों को भी मारा पीटा। उन लोगों ने जहां जहां अपनी गुहार लगाई वहां वहां पहुंचकर बजरंग दल के गुंडे नेताओं ने मुस्लिमों पर जुल्म ढाया और जब पुलिस प्रशासन एक्शन में आई तो वहां के कुछ पुलिसकर्मियों को उन्होंने अपहरण कर अपने साथियों को छुड़ाने की मांग की। तो उसी कोडरमा जिले की यह तस्वीर है जहां पर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की गई है। अपनी गंगा जमनी तहजीबों को सुरक्षित रखकर अपनी गंगा जमनी तहजीबी की मिसाल देकर के वहां के हिंदू भाइयों ने मुसलमानों के साथ आकर के उनकी समस्याओं पर बजरंग दल से लड़ने के लिए अपनी कमर कस ली है। आपको बता दें कि कोडरमा की इस खबर को सबसे पहले हमने पल पल न्यूज पे प्रकाशित किया था और दिखाया था कि किस तरीके से बजरंग दल के गुंडे वहां के मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं और उनका हुक्का पानी तक उन लोगों ने बंद करवा दिया था। वहां के हिंदुओं को मुसलमान की हालत देखी नहीं गई तो उन्होंने समझौता करना बेहतर समझा। अजान नमाज और रोजे को लेकर के कुछ समझौते हुए हैं जिस पर हिंदू मुस्लिम दोनों लोगों ने साथ बैठ करके इस मसले के हल का समाधान पूरी तरीके से कर लिया है और बजरंग दल की नफरत की राजनीति को कोडरमा जिले से उखाड़ कर फेंक दिया है।